सेंचुरी के श्रमिकों ने कॉलोनी परिसर में हो रही मंजित ग्लोबल की मजदूरों के प्रति दादागिरी के विरोध में कसावद एसडीएम कार्यालय में दिया धरना। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 17 स्थित सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन के मजदूरों के द्वारा गुरुवार को एसडीएम कार्यालय में धरना दिया गया। इस दौरान नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री समाजसेवी मेधा पाटकर एवं कसरावत एसडीएम संघ प्रिय जी के बीच काफी नोकझोंक हुई। कंपनी कर्मचारियों द्वारा एसडीएम पुलिस एवं शासकीय अमले द्वारा मंजित ग्लोबल के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाते हुए बताया कि मामला अभी भी विवादों के घेरे में चल रहा है। सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन पिछले 1600 दिनों से चल रहा है, जो कि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। सेंचुरी कंपनी के मजदूरों के द्वारा कॉलोनी परिसर में मंजित ग्लोबल कंपनी लिमिटेड के लाए हुए गुंडों के द्वारा अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा है। कॉलोनी परिसर में आने जाने वाले मजदूरों को रोका जा रहा है। उन्हें एक कैदी की तरह कॉलोनी परिसर के अंदर कैद करके रखा गया है, जबकि सिविल कोर्ट कसरावत का आदेश दिया गया है कि मजदूरों को बिजली पानी और आने जाने की व्यवस्था दी जाएगी। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। कानून कहता है, संविधान कहता है, जो नियम है बेसिकली हम तो हमने कौन सा नियम तोड़ा? कलम कलम की ताकत है और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। हम आप बैठे हम भी बैठेंगे यहाँ पे, आप भी बैठो, सब लोग बैठे हैं। जब हमको कहीं डिसीजन लेना होगा तो हम वो देखेंगे। डिसीजन दिया है उसका पालन अगर कोई एसडीएम नहीं करवा सकता है तो एसडीएम क्या मानना है? आपसे पहली बार बात हो रही है, आप लोग से पहली बात जज साहब से बात करी थी पहले तो उसमें जज साहब या तो उसमें एक लाइन लिख देते हैं कि स्थानीय प्रशासन मतलब पुलिस या इनको आदेशित किया जाए या निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश का पालन न होने की स्थिति में पालन कराएं। जैसे आज का संविधान का पालन करवाएं? अरे ये एक मोर ये प्रिंसिपल चीज हो गई, ये तो आप हम 10 हम आपको हाईकोर्ट या किसी कोर्ट के आदेश करा देते हैं, जब स्पेसिफिकली कराना रहेगा तो वो स्टेट अथॉरिटी। नहीं सर, चलो इसी पर कोर्ट के सामने मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अगर हमको कोर्ट लिख के दे देगी ना, एक कॉपी भर दे दे हमको कि ऐसा प्रतिलिपि तहसीलदार और हर कानून हर फैसला हर संविधान का पालन करवाना, इसीलिए तो प्रशासन है। एक एक अधिकारी को हजारों रुपए महीने के मिलते हैं और बिरला के भाई को 46 लाख रुपए 10 महीने में, और 10,000 और 14,000 कमाने वालों के पक्ष में पैसा आया तो भी उसका पालन नहीं होता है। कैसे सब पहलू है, आप तो जानते हैं। आपका सम्मान करा रहे हैं हम, एक लाइन हमको कोई सम्मान नहीं चाहिए, हमको बस एक कलम के एक लाइन आप लिखवा दो उसमें कि तहसीलदार एसडीएम को निर्देशित किया जाता है। मजिस्ट्रेट को मिलते हैं जाके, एक लाइन लिखवा दो आप, वो आपका पक्ष है, वो हमको निर्देशित करेंगे, हमारे पास चिट्ठी आ जाएगा, हम यही बैठे हैं, हमारे पास वो एक लाइन लिखते हैं, हम कह रहे हैं फोन पर कर दे, हम हंसेंगे सर मजिस्ट्रेट, वो हंसने दो मुझे, आप एक फोन लगा दो। अरे हमने बात करी ना मजिस्ट्रेट साहब से, उनने बोला कि आपको हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, बोला उनने तो आप बोलो बता ना, आप बताए उन्होंने एक मिनट आपने ये पूछा था सर आपने ये पूछा था कि मुझे जानने की जरूरत, बोले कि पालन कराने लिए आप जा सकते हैं, ऐसे उन्होंने कहा था, लेकिन आपने बोला लिखित में आप कुछ दिए हैं, बोला लिखित में नहीं दिया होगा, उन्होंने 151 मांगा है और क्या बोला, पालन करने और के लिए जा सकते हैं ऐसा बोले। अरे नहीं ऐसा बोले, ये भी कहने की जरूरत नहीं है हमारा, लेकिन लिखित में ये हमको ये फेस करना या केस जीतने के बाद भी ये सब बातें कर सकते हैं, हमने आदेश दिया है लेकिन लिखित में आपके लिए। एसडीएम साहब से अभी आपकी जो बहस है वो देखिए, आप किस मकाम तक पहुंचे इस बहस के बाद, क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है अभी? अंदर ऐसा है कि जो कंपनियां हिंसा का उपयोग सीधे आम कर रही है, इसमें मंजित ग्लोबल, मंजित कॉटन और सेंचुरी भी है, और जो घनश्याम दास बिरला की परंपरा मानने वाले बिरला नहीं है, और वो बाउंसर्स का उपयोग कर रहे हैं, और जो अधिकार है जो कोर्ट ने मंजूर किया है, कोर्ट की कसरावत के वरिष्ठ खंड की ऑर्डर है कि ये जो अंदर रह रहे हैं जिनका विवाद जारी होते हुए इनका रहने का अधिकार है, और कोई भी ऐसा अधिकार किसी भी कोर्ट ने कंपनी को नहीं दिया है कि वो शारीरिक शक्ति और पुलिस बल इस्तेमाल करके घर खाली करवाए, तो उनको पानी बिजली देनी चाहिए, उनके गेट्स खुले रखने चाहिए।
लेकिन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ये SDM साहब ने मंजूर आज किया है, आप उनकी बात देश को सुनाओ। और ये भी वो कहते हैं कि आप जज साहब से लिखवा लाओ। अरे जज साहब से कोई लिखवा लाते हैं? हम तो विनम्रता से न्यायपालिका के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स कहते हैं उसको। और उन्होंने जो आदेश देते हैं वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे लोएस्ट कोर्ट का हो, निचली कोर्ट का हो, उस आदेश का पालन जिनको आदेश दिया है उनको करना ही होता है। अजान हो रही है, पर उस आदेश का पालन करवाने का आदेश हर आदेश में कभी भी किसी भी अधिकारी को। ये कसरावत SDM ऑफिस में आप बैठे हैं, क्या कारण है मैडम, क्या किस लिए आए थे आप? ये हमारी सेंचुरी कंपनी है, 4 साल से बंद है, 5वां साल लगा है। तो अभी फिलहाल में ये बात चल रही है कि सेंचुरी वर्कर कॉलोनी में हमारे 211 भाई रहते हैं, लेकिन वहाँ पे मंजित कॉटन इतने गुंडागिरी से अभी फिलहाल में वहाँ पे अंदर कंपनी में कॉलोनी में 20-25 गुंडागिरी से बाउंसर ऐसे रखे हैं। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पेपर देने के लिए बाहर निकलते हैं, महिलाओं को बाहर निकलने नहीं देते हैं। और कल हम वहाँ दिन भर बैठे, उसके बाद भी ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 25 साल इन लोगों ने वहाँ पे काम किया है। ऐसी गुंडागिरी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास में कोर्ट का आदेश है। सरकार इतनी ये हो गई कि कोर्ट का भी अवमानना कर रहे हैं ये लोग। इतनी दादागिरी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कोर्ट में विवाद चल रहा है, उसमें विवाद चलने के बाद में भी ये ऐसे करो। SDM साहब के साथ में हमारे यहाँ 4-5 मजदूर भाई कल आए थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसी बात टाल दी। जब हमारा पांडाल था तो SDM साहब ने वहाँ सामने खड़े रह के बात करी थी कि जब आपके तरफ से कोर्ट की ऑर्डर आएगी तो हम खुद खड़े रहेंगे। तो आज हमारे पक्ष में ऑर्डर आने के बाद में भी क्यों हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। आपके शासन से क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन आए और हमारे तरफ से बात रखे, क्योंकि वहाँ हमारे तरफ से आज इतने हमको ऐसा लगता है सब जहाँ देखो वहाँ कोई गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती है। हमारे तरफ से सुनवाई होनी चाहिए। वहाँ पे गुंडागिरी कर रहे उनको वहाँ पे हटाना चाहिए और आने जाने के लिए गेट खुलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। मेरे का मानना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरे का मानना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरे का मानना करने वाले को दंड दो, दंड दो, दंड दो। मेरे का मानना करने वाले को दंड दो, दंड दो, दंड दो। मेरे के आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।